हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक किया था, लास्ट क्लास में हमने पता किया था कि आपका क्या होता है जो एसिड और बेस होते हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि जो एसिड और बेस होते हैं उनमें क्या चीज कॉमन होती है। ठीक है, ये चीज हमने क्या की थी, स्टडी की थी। आज हम लोग स्टडी करेंगे कि जो आपके एसिड या बेस होते हैं वो आपके वॉटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, किस तरीके के कैरेक्टर दिखाते हैं, किस तरीके का बिहेव रिप्रेजेंट करते हैं। इस चीज को हम क्या करते हैं, आपका स्टडी करेंगे आज की हम क्लास में। तो आइए, आपकी जो एनसीईआरटी में एक्टिविटी दे रखी है उसी से मैं स्टार्टिंग करता हूं। आपकी इस हेडिंग में जो आपकी एक्टिविटी दी हुई है, उस एक्टिविटी में क्या दिया है दोस्तों, कि आपको एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेनी है। ड्राई टेस्ट ट्यूब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसमें आप ना वाटर को बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ना तो उसको लेते टाइम धोएंगे ना कुछ, सिंपल लिया और उसको यूज करेंगे। आपने ड्राई टेस्ट ट्यूब लिया, ड्राई टेस्ट ट्यूब में आपको सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन नहीं डालना, सोडियम क्लोराइड की पैलेट, छोटी छोटी गोलियां आती है व्हाइट कलर की जो लेबोरेटरी के अंदर मिल जाएंगी, तो आपको सॉलिड सोडियम क्लोराइड डालना है इसके अंदर। फिर उसमें आपको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करना है, मिलाना है। फिर इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करना है दोस्तों, मिलाना है। इसके बाद ये आपके हो गए जो काम करने हैं। फिर आपको क्या करना है, लिटमस पेपर लेना है। कौन सा लिटमस पेपर, ब्लू कलर वाला। कौन सा लिटमस पेपर लेंगे दोस्तों आप, ब्लू कलर वाला। इसमें भी आपको दो लिटमस पेपर लेने हैं ब्लू कलर में ही। एक आपको लेना है मॉइस्ट वाला, मॉइस्ट या वेट, मतलब जो गीला हो ऑलरेडी, जो पहले से क्या हो थोड़ा सा गीला हो। और एक ऐसा लिटमस पेपर ब्लू कलर में ही लेना है जो बिल्कुल कैसा होगा दोस्तों, सूखा। तो एक लिटमस पेपर लेना है जो आपका गीला होगा, एक लिटमस पेपर लेना है ब्लू कलर के ही लेने हैं दोनों, एक आपका गीला और एक आपका सूखा। ये मैंने क्यों बताया और इससे हम क्या बात प्रूफ करना चाहते हैं वो मैं अभी आपको सब चीज समझा दूंगा। ठीक है, एक्टिविटी से हम क्या करेंगे, सारी चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड, कौन सा सॉलिड सोडियम क्लोराइड लिया और उसमें हमने कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया। जैसे ही आप ये रिएक्शन करेंगे तो इसमें से क्या निकलेगी, एक गैस रिलीज होगी। इसमें से क्या निकलेगी दोस्तों, एक गैस निकलेगी। ठीक है, अब ये जो आपकी गैस होगी, ये जो आपकी गैस होगी, अब आपको ये चेक करना है क्या वो गैस इस लिटमस पेपर को, सॉरी हाँ, इस लिटमस पेपर को, कौन से वाले, ब्लू कलर के लिटमस पेपर के कलर चेंज कर पाएगी या नहीं। क्या आपकी जो गैस निकल रही है वो लिटमस पेपर का कलर चेंज कर पाएगी या नहीं, ये चीज आपको क्या करनी है, चेक। और उसमें भी आपको देखना है कि वो ड्राई वाले ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज करेगी या वेट वाले ब्लू लिटमस पेपर का चेंज करेगी या दोनों का चेंज कर देगी या दोनों में से किसी का नहीं करेगी। तो जब आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो जो ये गैस निकलेगी ना दोस्तों, वो गैस जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपकी जो ड्राई वाला लिटमस पेपर होगा, जो कौन सा लिटमस पेपर होगा ड्राई, उसका कलर चेंज नहीं करेगी। ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगी, ये किसका कलर चेंज करेगी, आपका वेट वाले का जो है कलर चेंज कर देगी। ब्लू से कौन से में कन्वर्ट कर देगी उसको, रेड में। ब्लू से कौन से में कन्वर्ट कर देगी, रेड में। तो हमें एक बात पता चल गई कि आपका जब हमने सॉलिड सोडियम क्लोराइड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाया तो एक गैस निकली, वो जो गैस निकली उसने ड्राई ब्लू लिटमस पेपर का तो कलर चेंज नहीं किया, बट मॉइस्ट वाले का या वेट वाले लिटमस पेपर का कलर क्या कर दिया दोस्तों, चेंज कर दिया। अब इसमें क्वेश्चन ये है कि ये भी ब्लू कलर का लिटमस पेपर था ड्राई और ये भी ब्लू कलर का लिटमस पेपर है, ठीक है, ये कौन सा है, वेट। तो यार इसमें क्या डिफरेंस है, ये भी तो ब्लू कलर का है, ये भी ब्लू कलर का है, तो चेंज होना चाहिए था, दोनों पे चेंज हो जाता, ठीक है। और अगर मैं इसमें डिफरेंस देखूं तो एक डिफरेंस मुझे नजर आता है क्या, कि एक लिटमस पेपर आपका क्या है, मॉइस्ट गीला है और दूसरा लिटमस पेपर क्या है, ड्राई। इसका मतलब कहीं ना कहीं लिटमस पेपर के ड्राई और वेट होने का भी फर्क पड़ा होगा। ऐसा क्या हुआ होगा, क्यों हुआ होगा, वो हम जानेंगे, अभी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई। अब एक पॉइंट और, आपने पढ़ा था कि कोई भी ऐसी चीज जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर दे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एसिड।
इसका मतलब ये जो गैस निकली होगी ये कौन से नेचर की गैस होगी आपकी, एसिडिक नेचर। कौन से नेचर की गैस होगी, एसिडिक नेचर। मुझे कैसे पता चला, क्योंकि इसने ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेड में, ठीक है। और आपको पता है अनिल अम्ल नीले को लाल में बदलता है। हाँ, अब ये क्वेश्चन है कि ये भी ब्लू लिटमस पेपर था, ये भी ब्लू लिटमस, तो ब्लू आपके गीले वाले का क्यों, मॉइस्ट वाले का ही कलर चेंज क्यों हुआ, ड्राई वाले का क्यों चेंज नहीं हुआ, इसका मैं अभी रीजन बताऊंगा। और अब आप इस रिएक्शन को ये देख सकते हैं, मैंने आपकी ये रिएक्शन भी लिख रखी है कि जब आप सोडियम क्लोराइड को, सॉलिड सोडियम क्लोराइड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सोडियम सल्फेट प्लस आपका हाइड्रोक्लोरिक गैस, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस निकलेगी। और आपको अंडरस्टूड है कि ये जो HCl होता है ये आपने एसिड में पढ़ा था, और इसका मतलब ये एसिडिक नेचर का होता है। हमने यहाँ पे ये प्रूफ नहीं किया, हमने ये एसिडिक नेचर प्रूफ किया है क्योंकि इसने इस लिटमस पेपर को कन्वर्ट किया है। तो आपकी ये केमिकल रिएक्शन है जो यहाँ पे हुई है वो मैंने लिख दी। अब मैं आपको उस रीजन पे लेके चलता हूं कि आपका ये भी ब्लू लिटमस पेपर, ये भी ब्लू लिटमस पेपर, बस अंतर क्या था, ये आपका मॉइस्ट था, गीला था, ये आपका ड्राई था, तो इसने ड्राई वाले का कलर चेंज क्यों नहीं किया और वेट वाले का कलर चेंज क्यों कर दिया, ठीक है। आइए उसको समझते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूं आगे, रीजन समझिएगा ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है ऐसा। दोस्तों आप ये जो एक्टिविटी है इसको समझने के लिए एक काम और कीजिए, क्या करना है आपको कि HCl सेम एक्टिविटी, ठीक है, सेम आपको लेनी है, बट अब ये एक्टिविटी किसके साथ रिपीट करोगे आप, ड्राई HCl गैस, और दूसरी बार किसके साथ रिपीट करोगे, HCl सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप क्या करोगे कि अब आप जो एक्टिविटी है, मतलब इसमें आप क्या लोगे, एक बार ड्राई HCl गैस लोगे और लिटमस पेपर लोगे, और दूसरी बार आप HCl का सॉल्यूशन लोगे और लिटमस पेपर लोगे, क्लियर। इसमें भी आप क्या करोगे, ड्राई और वेट वाला, कौन सा लिटमस पेपर लोगे, ब्लू कलर का, एक बार ड्राई वाला लोगे और एक बार कौन से वाला लोगे, वेट वाला, क्लियर। आप देखोगे कि जो ड्राई HCl गैस है, जो ड्राई HCl गैस है आपकी, वो क्या करेगी, कलर चेंज नहीं करेगी, ड्राई में तो करेगी ही नहीं, पर जो वेट वाला है उसमें भी नहीं कर पाएगी, जबकि जो आपका HCl सॉल्यूशन है ये आपका क्या कर देगा, कलर चेंज कर देगा। मतलब यार ये क्या हो रहा है, ये भी HCl है, ये भी HCl है, पर ये HCl तो कलर चेंज नहीं कर पा रहा, और ये जो HCl है ये कलर चेंज कर पा रहा है, जबकि एसिड तो ये भी है और एसिड ये भी है। ये चक्कर क्या है कि दोनों एसिड होने के बावजूद भी एक तो आपका क्या कर पा रहा है, कलर चेंज कर रहा है, और एक आपका कलर चेंज नहीं कर रहा। इसका मतलब एक आपका एसिडिक कैरेक्टर दिखा पा रहा है और दूसरा वाला एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा पा रहा। क्यों भाई ऐसा क्यों, जबकि दोनों सेम चीजें हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर भी एक अपना कैरेक्टर दिखा पा रही है और एक अपना कैरेक्टर नहीं। आइए इसका रीजन जानते हैं इसकी डिटेल में। तो आप जब ये एक्टिविटी करेंगे तो इसमें जो HCl सॉल्यूशन है वो लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देगा, पर जो आपकी ड्राई HCl गैस है वो आपके लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं करेगी। अब जानते हैं इसका रीजन ऐसा क्यों हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। तो आइए इसके रीजन पे चलते हैं और इसका रीजन समझते हैं बड़े अच्छे से डिटेल में, ठीक है। इसका रीजन देखिए दोस्तों क्या होगा, इसका रीजन क्या है कि जब आप क्या करते हो HCl सॉल्यूशन, HCl सॉल्यूशन, सॉल्यूशन शब्द का मतलब होता है कि आपने HCl को किसके साथ मिला दिया, वाटर के साथ। और आपको पता है या नहीं पता, तो जब आप लेबोरेटरी में करोगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो दोस्तों, तो H प्लस और Cl माइनस में वो टूट जाता है, मतलब उसके अंदर क्या निकलना शुरू हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन, उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन। अब देखिए यहां पे ये क्या है, HCl सॉल्यूशन का केस। अब मैं ड्राई HCl गैस का केस लेता हूं, क्योंकि वो क्या है आपकी, ड्राई HCl गैस। अब ड्राई HCl गैस है, इसका मतलब ये खाली HCl है, इसको आपने वाटर के साथ मिलाया ही नहीं है, क्योंकि ये खाली HCl है तो ये आपकी H प्लस और आपके Cl माइनस में नहीं टूटती, ये आपकी ब्रेक ही नहीं होती, ये HCl का HCl ही रहती है, मतलब इसमें H प्लस आयन रिलीज नहीं होते। इसका मतलब H प्लस आयन का कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ता होगा,
इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी HCl है, ये भी HCl है। एक HCl जब वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा HCl क्योंकि वो ड्राई है इसलिए वो H प्लस आयन प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। इसका मतलब कहीं ना कहीं हाइड्रोजन आयन का कुछ ना कुछ लोचा तो जरूर होगा। हाँ बिल्कुल लोचा है। क्या लोचा है इसका कि जो आपने पॉइंट लिखा था, आपका थर्ड पॉइंट क्या लिखवाया था मैंने कि आपके एसिड हम ऐसे सब्सटेंस को भी कहते हैं जो आपके वाटर के साथ रिएक्ट करने पे H प्लस प्रोड्यूस करते हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि कोई भी ऐसी चीज जिसके फॉर्मूले में अगर आपको H दिख जाए और उसको देख के आप ये बोल दो कि ये एसिड है, बिल्कुल गलत बात। जैसा हम लास्ट क्लास में प्रूफ कर चुके हैं किसके साथ, ग्लूकोज के साथ और एल्कोहल के साथ। ग्लूकोज में भी आपके बहुत सारे हाइड्रोजन थे और आपके अल्कोहल में भी बहुत सारे हाइड्रोजन थे, पर उन दोनों में ही आपका क्या नहीं हुआ था, H प्लस प्रोड्यूस नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? क्योंकि उन दोनों को जब मैंने वाटर के साथ रिएक्ट करा था वो आपके आयंस में ब्रेक ही नहीं हुए थे। वो तो थी लास्ट की बात। अब इसको समझिए है क्या कंसेप्ट। कंसेप्ट ये है दोस्तों कि कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने पर अगर आपके हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा तभी वो आपके कौन से कैरेक्टर दिखा पाएगा, एसिडिक कैरेक्टर। और अगर वो एसिडिक कैरेक्टर दिखा रहा है इसका मतलब मैं उसको क्या कह सकता हूं, एसिड कह सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एसिड, अगर आप पहचान करना चाहते हैं कि कोई एसिड है या नहीं, तो उसकी सबसे सिंपल पहचान है कि आप उस सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व कीजिए। उस सब्सटेंस को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे और अगर वो डिसॉल्व होने पे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब क्या होगा कि आपका वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा। और अगर वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा इसका मतलब वो क्या कहा जाएगा, एसिड कहा जाएगा। मतलब क्या हुआ कि किसी भी सब्सटेंस या किसी भी फॉर्मूले में आपको एच दिख जाए, मान लो कोई कंपाउंड आपको बोला गया और जिसमें क्या लिखा हुआ है एच, सपोज मैं ग्लूकोज को ही लेता हूं C6H12O6, अब इसमें एच देख के हमें बड़ा मजा आ रहा है, एच देख के लग रहा है कि एच तो इसमें 12 है तो ये तो एसिडिक होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब मैंने ग्लूकोज को वाटर में डिसॉल्व कराया तो उसमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस ही नहीं हुए, और क्योंकि उसमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं हुए इसलिए वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाएगा, और एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखाएगा इसका मतलब मैं उसको एसिड नहीं कह सकता। तो कोई भी सब्सटेंस एसिड जब ही कहा जाएगा जब वो वाटर में डिसॉल्व होने पर H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा। और सेम कंसेप्ट, अब आपका जो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा वही तो आपके क्या करेगा, लिटमस पेपर के कलर को चेंज करेगा। वही तो किसको चेंज करेगा, लिटमस पेपर के कलर को। इसीलिए ड्राई HCl गैस ने आपका क्या किया, लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं किया, क्योंकि ये HCl एसिड होने के बावजूद भी एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा पा रही। क्यों एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा पा रही, क्योंकि इसमें एच प्लस आयन प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहे। बेशक ये एसिड है फिर भी अपने एसिडिक कैरेक्टर को शो नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसमें H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं हुए। तो कोई भी चीज एसिडिक होने के बावजूद भी एसिडिक कैरेक्टर तब तक नहीं दिखा सकती जब तक वो H प्लस आयन प्रोड्यूस नहीं करेगी। अगर वो H प्लस आयन प्रोड्यूस कर देगी तो वो आपके एसिडिक कैरेक्टर दिखा देगी, और मैं तुरंत उसको क्या बोल दूंगा, एसिड बोल दूंगा। आगे बात समझ में कि कोई भी चीज एसिड कब कही जाती है, कोई भी चीज बेस कब, बेस का भी नहीं, एसिड कब कही जाती है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने पर अगर एच प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, और अगर एच प्लस वो प्रोड्यूस करेगा या हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा, और अगर एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा तो मैं उसको एसिड कह सकता हूं। क्लियर। इसीलिए ड्राई HCl गैस H प्लस आयन नहीं लिब्रेट करती, इसीलिए वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं दिखा रही, इसीलिए वो ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड में कन्वर्ट नहीं कर पा रही। जबकि HCl सॉल्यूशन वाटर में डिसॉल्व है, H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है, और H प्लस आयन जाते ही ब्लू लिटमस पेपर में चेंज करते हैं, और वो किस कलर में बदल जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए ये अपने एसिडिक कैरेक्टर दिखा पा रहा है। क्लियर हो गई बात। अब चलते हैं आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ कंसेप्ट है उनको समझते हैं। अब दोस्तों क्या होता है, ये जो H प्लस आयन है ना, ये H प्लस आयन की यार एक प्रॉब्लम है। H प्लस आयन क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये जो हाइड्रोजन आयन, अब इसका नाम भी देख लीजिए, इसको हम हाइड्रोजन आयन तो कहते ही हैं, साथ के साथ इसको क्या कहते हैं, H प्लस को हम प्रोटोन भी कहते हैं,
प्रोटॉन भी कहते हैं, हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। ये कहां यूज होगा? ये आपके लेवल पे यूज नहीं होगा, ये पॉलिटेक्निक के एग्जाम में यूज होगा। कैसे यूज होगा अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। याद रखना, अगर आप खाली प्रोटॉन भी बोलते हो, मतलब आप क्या कह सकते हो कि जो एसिड होते हैं वो आपके H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं और वो आपके प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं। ये दोनों बातें सही हैं। अगर आपको कहीं डेफिनेशन में लिखा हुआ मिल जाए एसिड आर दोज विच प्रोड्यूस प्रोटॉन, इसका मतलब वो H प्लस की ही बात कर रहा है, हाइड्रोजन आयन की ही बात कर रहा है। क्लियर हो गया? अब इसमें एक बात है, प्रॉब्लम क्या है कि ये जो H प्लस आयन होता है ना, जो हाइड्रोजन आयन होता है, ये यार अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब ये रिएक्ट नहीं कर सकता, और क्योंकि ये अनस्टेबल है तो ये रिएक्ट करेगा, ये अकेला नहीं रह सकता। तो क्योंकि ये अकेला नहीं रह सकता तो ये फटाफट किसी को ढूंढेगा कि यार मैं किसी ना किसी के साथ जुड़ जाऊं और जल्दी से कौन सी पोजिशन में पहुंच जाऊं, स्टेबल पोजिशन में पहुंच जाऊं। तो ये जो H प्लस आयन है ये क्योंकि अनस्टेबल है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है आपका? अनस्टेबल। क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन अनस्टेबल है इसीलिए ये क्या करता है, फटाफट आपका वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। फटाफट किसके साथ रिएक्ट करता है? वाटर मॉलिक्यूल के साथ, और क्या बना लेता है? H3O+, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। जिसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? हाइड्रोनियम आयन। क्लियर? जिसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसका मतलब दोस्तों एसिड की डेफिनेशन बन गई तीन। एसिड की डेफिनेशन कितनी बन गई? तीन। एसिड वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, एसिड वाटर में डिसॉल्व करने पर प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं, एसिड वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं। सॉरी, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। अगर आपसे कोई बोले कि किसी सब्सटेंस ने वाटर में डिसॉल्व करने पर प्रोटॉन प्रोड्यूस किए हैं तो क्या वो एसिड होगा? हाँ। किसी ने आपके हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस किए हैं, एसिड होगा? हाँ। किसी ने आपके हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस किए हैं, क्या वो एसिड होगा? हाँ। इसीलिए आपको ये तीनों डेफिनेशन याद रखनी है और ये तीनों आपसे पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्या बोलेगा आपके? एसिड आर, एसिड्स क्या होते हैं? फर्स्ट विच लिबरेट एच प्लस आयन, लिबरेट प्रोटोन, लिबरेट हाइड्रोनियम आयन, और डी होगा ऑल ऑफ दीज। तो आंसर जाएगा ऑल ऑफ दीज। खाली हाइड्रोजन वाला मत लगा देना, पॉलिटेक्निक के एग्जाम है, इसमें नहीं पूछेगा क्योंकि अब एमसीक्यू इंट्रोड्यूस हो गए हैं, तो शायद आपसे ये वाला और ये पूछ ले। हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन आप याद रखना, प्रोटोन नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा काम। तो हाइड्रोजन की खासियत क्या हो गई? हाइड्रोजन आपका जो एसिड है, एसिड की खासियत क्या हो गई कि एसिड वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटॉन प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करते हैं, तीनों चीजें प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि वाई हाइड्रोनियम आयन विल फॉर्म, जो आपके सीबीएसई में क्वेश्चन बनेगा, वाई हाइड्रोनियम आयन विल फॉर्म, हाइड्रोनियम आयन क्यों बनता है? तो आंसर है बिकॉज हाइड्रोजन आयन इज अनस्टेबल, सो इट क्विकली रिएक्ट विद द वाटर मॉलिक्यूल एंड मेक्स द हाइड्रोनियम आयन। क्लियर हो गया? क्योंकि हाइड्रोजन आयन अनस्टेबल होता है इसलिए ये बहुत जल्दी वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्लियर? तो आपके एसिड के लिए तीन पॉइंट हो गए। एसिड आपके H प्लस भी प्रोड्यूस करते हैं, प्रोटॉन भी प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोनियम आयन भी प्रोड्यूस करते हैं। ये तीनों बातें आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो एक बात तो हमें समझ में आ गई कि आपका एसिड किसके साथ, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है। एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके हमेशा और हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा? H प्लस। इसको आपको क्या करना है, आप दूसरे एग्जांपल्स के साथ देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये जो मैंने लिखे थे ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना पॉज करके, ठीक है? मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ दूसरा एसिड का एग्जांपल ले लेता हूँ, H2SO4। H2SO4 की वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे तो H+SO4-, HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराओगे H+NO3। ठीक है, क्लियर हो गया? ये सब आपको पॉइंट याद रखने, SO4-2-, ये सारी चीजें हैं, SO4-2-। क्लियर? तो ये आपका पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, ये सब ये HCl एसिड है, H2SO4 एसिड है, HNO3 एसिड है। क्यों? क्योंकि ये सब वाटर के साथ रिएक्ट करने पर या वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन प्रोड्यूस कर रहे हैं।
और क्योंकि ये आपके फाइनली ये अनस्टेबल है तो फटाफट ये किस में बदल जाएगा, H3O प्लस में भी। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका कंसेप्ट हुआ कि आपके एसिड वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं और किस तरीके का बिहेव दिखाते हैं। एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके हमेशा और हमेशा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस, इसलिए कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर के साथ डिसॉल्व होने पे हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा तभी वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा और तभी मैं उसको क्या कह सकता हूँ, एसिड कह सकता हूँ या एसिडिक नेचर का सब्सटेंस कह सकता हूँ। क्लियर। अब आते हैं बेस पे कि बेस आपके कैसे रिएक्ट करते हैं। ये आपका एसिड का कंसेप्ट क्लियर हो गया दोस्तों पूरा। अब हम किस पे चलते हैं, बेस के ऊपर। ठीक है, कि बेस आपके कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं। तो बेस में भी आपको सेम एक्टिविटी करनी है कि आपको बेस लेने हैं। जैसे हम ले लेते हैं NaOH, बेस आपने लिया NaOH, एक बार आप सॉलिड फॉर्म में ले सकते हैं, एक बार आप क्या करेंगे सॉल्यूशन। तो फिर आप देखेंगे कि जो सॉल्यूशन की फॉर्म में होगा, जो भी बेस सॉल्यूशन की फॉर्म में होंगे वो लिटमस पेपर का कलर चेंज कर देंगे, और जो सॉलिड फॉर्म में होंगे वो आपके लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर पाएंगे। पर यहाँ पे कौन सा लिटमस पेपर लेंगे आप, ये भी ध्यान रखना, रेड वाला। कौन सा लेंगे आप, रेड वाला, क्योंकि अगर आपने ब्लू लिया तो ब्लू तो किसको कन्वर्ट करता है, ब्लू किस में कन्वर्ट होता है, रेड में, वो भी कब, एसिड की वजह से। बेस पे अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पे बेस की ड्रॉप डालोगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे आप कौन सा लिटमस पेपर लेंगे, रेड लिटमस पेपर, और उस पे आप बेस की ड्रॉप डालेंगे। अगर आपने सॉलिड बेस डाला तो आपका कलर चेंज नहीं होगा, बट अगर आपने सॉल्यूशन यूज किया है बेस का तो आपका लिटमस पेपर का कलर चेंज हो जाएगा। फिर वही बात, ऐसा क्यों होगा, सेम रीजन जो वहां पे था, बस बोलने का तरीका बदलेगा, क्योंकि आपका ये बेस वाटर के साथ डिसॉल्व करने पर क्या प्रोड्यूस करेगा, Na प्लस और OH माइनस। इसी तरीके से अगर आप KOH को लेंगे, KOH को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो K प्लस OH माइनस। इसी तरीके से MgOH के होल ट्वाइस को अगर आप वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो Mg 2 प्लस प्लस OH माइनस। क्लियर हुआ ये पॉइंट। आपने इन तीनों में फिर से क्या चीज कॉमन देखी, क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज बेसिक कैरेक्टर कब दिखाएगी, या किसी भी चीज को बेस में कब मानूंगा, जब कोई भी सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने पर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा तभी वो सब्सटेंस बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा, और तभी मैं उस सब्सटेंस को क्या मानूंगा, बेस मानूंगा। आई बात समझ में या नहीं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने बेस को चेक किया, आपको कोई सब्सटेंस दिया गया एक्स वाई जेड, कोई भी आपसे पूछा गया बताइए इनमें बेसिक कौन है, तो आप क्या करेंगे, उसको वाटर में डिसॉल्व कीजिए। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आप देखिए क्या वो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस कर रहा है। अगर उसमें हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा, और बेसिक कैरेक्टर दिखाने का मतलब उसको मैं क्या कह सकता हूं, बेस कह सकता हूं। आप ये कहेंगे हमें हाइड्रोक्साइड तो दिखेंगे नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों, आपके पास लिटमस पेपर तो है, आपका जो सॉल्यूशन वाटर में डिसॉल्व किया है उसको आप रेड कलर के लिटमस पेपर पर डालिए उसकी ड्रॉप। जैसे ही आप लिटमस पेपर पर उसकी ड्रॉप डालेंगे, अगर उसका कलर क्या हो जाता है, रेड से ब्लू में, जिस सॉल्यूशन पर रेड से ब्लू में हो जाएगा वही सॉल्यूशन आपका क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा, वही बेस होगा। आगे बात समझ में। तो आपका आपने क्या सीखा कि एसिड और बेस, बेशक आप एसिड और बेस को, चाहे HCl को चाहे NaOH को, दोनों को एसिड और बेस को सॉलिड फॉर्म में अगर आप लोगे तो ना तो वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा ना ही बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा, क्योंकि उनको अपने एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर दिखाने के लिए आपको इन एसिड और बेस को वाटर में डिसॉल्व करना पड़ेगा, और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद एसिड प्रोड्यूस करेगा H प्लस आयन और बेस प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोक्साइड आयन या OH माइनस आयन, और जब तक ये आयन प्रोड्यूस नहीं करेंगे तब तक ये अपना एसिडिक या बेसिक कैरेक्टर नहीं दिखा सकते, और जब तक ये एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर नहीं दिखाएंगे मैं उस सब्सटेंस को एसिड या बेस नहीं कहूंगा। आगे बात समझ में या नहीं। कुल मिलाके सॉलिड स्टेट में अगर ये हैं तो आप इनको एसिडिक या बेसिक नहीं बता पाएंगे, इनको पहले सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा तब आप इनको एसिडिक या बेसिक आइडेंटिफाई कर सकते हो। आई होप आपको इतना ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे आपका पॉइंट क्या है कि आपका एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेस और एल्कली क्या होते हैं, तो ये मैं रब कर रहा हूं, ये आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। इसमें आपका कोई और नाम नहीं है, बेस हमेशा क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बस।
ठीक है, जो भी सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने पे हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेगा वो बेसिक कैरेक्टर दिखाएगा और इसलिए मैं उसको बेस कह दूंगा। आगे बात समझ में? अब चलते हैं आगे, आपका क्वेश्चन आता है बेस तो आपको पता चल गए, अब आपसे पूछता है दोस्तों एल्कलीज, व्हाट आर एल्कलीज, एल्कलीज क्या होते हैं, तो उसको भी हम स्टडी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं एल्कलीज क्या होते हैं। ठीक है, एल्कली, एल्कली क्या है आपके, इसकी डेफिनेशन, दोज बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वॉटर, वो सारे बेसिस जो आपके वाटर के अंदर सोल्यूबल हो, वो सारे बेसिस जो आपके वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं उन्हीं बेसिस को मैं एल्कली कहता हूं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वो सारे बेस जो आपके वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, उन सारे बेस को आप एल्कली कहते हैं। दोबारा, आपके वो सारे बेस जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं उन बेस को मैं क्या कहूंगा, एल्कली। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभी देखा सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्या है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, Na+OH-, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। इसका मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस तो है, साथ के साथ इसको मैं क्या कह सकता हूं, एल्कली भी बोल सकता हूं, क्योंकि ये ऐसा बेस है जो वाटर के अंदर क्या हो रहा है, डिसॉल्व। तो वो सारे बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उनको मैं एल्कली कहता हूं। फिर मैं खाली इसको बेस ना कह के क्या नाम दे दूंगा, एल्कली, क्योंकि अगर मैंने इसको एल्कली बोला है तो इनडायरेक्टली ये बेस तो है ही है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल KOH + H2O कन्वर्टेड इनटू K++OH-, क्या इसको आप एल्कली कहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि ये भी वाटर में क्या हो गया, डिसॉल्व। तो ये दोनों बेस आपके क्या हो जाएंगे, ये दोनों ऐसे बेस हैं जो वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए मैं इनको एल्कली कह सकता हूं। तीसरा एग्जांपल CaOH का होल ट्वाइस, ये भी आपका वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल, Ca2++OH-। तो वो सारे बेसिस, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सारे बेसिस दोस्तों जो आपके वाटर में सोल्यूबल होते हैं उन सारे बेसिस को मैं खाली बेस ना बोल के क्या बोलता हूं, एल्कली बोलता हूं। ये क्वेश्चन आज तक बोर्ड में आया नहीं है, प्री बोर्ड में या फिर आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन, मतलब जो आपके एग्जाम्स हैं, जो आपके सपोर्टिंग मटेरियल्स होते हैं उनमें है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर एल्कलीज, कि एल्कलीज क्या होते हैं, तो आपने आंसर लिख दिया ऑल बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर, या ऑल बेसिस सोल्यूबल इन वाटर आर नोन एज एल्कलीज, वो सारे बेस जो आपके वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको एल्कली कहते हैं। एग्जाम्पल ये रहे, ये आपको लिख के आ जाने तीनों में से जो आपको अच्छा लगे, क्लियर। उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन उसी में जो पूछेगा व्हाट आर एल्कलीज, फिर अगला क्वेश्चन पूछता है डज ऑल एल्कलीज, या फिर आपसे पूछेगा डज ऑल बेसिस आर एल्कलीज, क्या सारे बेसिस एल्कली होते हैं। तो देखो ये भी तो बेस था, ये भी तो बेस है, ये भी तो बेस है, पर इन सबको अब मैं बेस की जगह क्या बोल रहा हूं, एल्कली। तो मतलब सारे बेस, ऑल बेसिस आर एल्कली, लिख लेना ये पॉइंट, ऑल बेसिस आर एल्कली, सारे बेस एल्कली होते हैं, पर क्या सारे एल्कली बेस होंगे, नहीं सारे एल्कली बेस होंगे ये जरूरी नहीं है, पर सारे बेस आपके एल्कली होंगे ये 100% है, क्योंकि मैं ये पहले तो क्या है, एल्कली होने की पहली कंडीशन है कि वो क्या होना चाहिए, बेस, रटो मत, एल्कली होने की पहली कंडीशन ही क्या है, बेस, क्योंकि वो ऐसा बेस जो वाटर में सोल्यूबल हो। तो भैया अगर वो एल्कली है तो ऑटोमेटिकली बेस तो वो होगा ही होगा, पॉइंट समझ में आया, अगर वो एल्कली है तो बेस तो होगा ही होगा, डेफिनेशन में आ रहा है। तो ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं उनको एल्कली कहते हैं, तो ये इसके एग्जांपल है। तो ये बेस तो है ही है, बट क्योंकि इनके अंदर एक और एडिशनल क्वालिटी है, वो है वाटर में सोल्यूबल होने की, इसीलिए इनको मैं खाली बेस ना बोल के क्या बोलता हूं, एल्कली बोलता हूं। आगे पॉइंट समझ में? ये तीन नंबर का क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, अभी तक आया नहीं है बट आ सकता है, जब पेपर थोड़ा सा टफ बनाना होगा। क्लियर हो गया, तो आपका ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, आपकी ये हेडिंग पूरी क्लियर हो गई कि एसिड और बेस वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, एल्कली क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, कोई चीज एसिड है कब पता चलेगा, कोई चीज बेस है कब पता चलेगा, हमने वो सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब हम चलते हैं आपकी नेक्स्ट हेडिंग पे और आज की क्लास की लास्ट हेडिंग, ठीक है, आज की क्लास की लास्ट हेडिंग और नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपकी,
कि जब आप एसिड और बेस को मिलाते हैं, जब आप एसिड को मिलाते हैं, ठीक है, एसिड में वाटर को मिलाते हैं या वाटर में एसिड को मिलाते हैं, तो वो कैसे मिलाते हैं, किस में किसको मिलाएंगे, ये आपको पता करना है। मतलब आपको अब ये स्टडी करना है कि ये मेरे पास क्या है, ये यहाँ पे, ये आपका क्या है दोस्तों, इसमें मैं कह सकता हूं ये वाटर है, आपका वाटर में आप क्या मिला रहे हो दोस्तों, एसिड। तो आपसे यही पूछा गया है कि क्या हम वाटर के अंदर एसिड को मिलाते हैं या फिर बी में क्या है आपका कि हम एसिड के अंदर वाटर को मिलाते हैं, एसिड के अंदर किसको मिलाते हैं, वाटर को। तो अब आपको बताना है इनमें से कौन सा तरीका सही है। नॉर्मल इंसान के लिए, किसी भी इंसान के लिए ये एक ही बात है, क्योंकि क्या करना है, अरे मिलाना ही तो है भाई, एसिड में पानी मिला दो या पानी में एसिड मिला दो, क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों बातें एक ही हैं। बट दोस्तों जब आप इसको रियलिटी में करोगे तो ऐसा धमाका होगा कि शायद आप केमिस्ट्री की लैब में दोबारा जाने लायक बचोगे नहीं, ठीक है, या हो सकता है उसके बाद ही आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए। इसलिए केमिस्ट्री की या साइंस की चीजों को लाइटली लेने से पहले उसकी नॉलेज लेना जरूरी है। ये दोनों जो इतनी सिंपल चीजें दिख रही हैं, इतनी सिंपल है नहीं, एक आपकी बहुत अच्छी है और दूसरी इतनी खतरनाक है कि वो कंटेनर को भी ब्लास्ट कर देती है और आपकी पूरी स्किन को जला देगी, आपकी पूरी बॉडी इंजर्ड कर देगी। क्लियर? तो इसमें देखिए होता क्या है कि जब भी आप मिलाते हैं तो क्या करते हैं, क्या वाटर में एसिड को मिलाएंगे या एसिड के अंदर वाटर को मिलाएंगे। तो तरीका देखिए, एसिड में वाटर को कभी भी नहीं मिलाया जाता, पहला ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो एसिड होते हैं ना जिनको आप यूज करते हो, ये डाइल्यूट नहीं होते दोस्तों, ये होते हैं कंसंट्रेटेड। अब ये कंसंट्रेटेड क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड का मतलब होता है बिल्कुल प्योर, जिसमें 1% भी मिलावट नहीं है, पानी नहीं है, इसमें टोटल एसिड होता है और इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है कि जैसे ही आप उसकी बोतल भी खोलते हो ना, धुआं ही धुआं निकलने लगता है, इसमें से फ्यूम्स निकलती हैं, और जब पकड़ोगे बोतल को तो एकदम हीट हो जाएगी, वो बहुत ज्यादा हीट, तो इतना ज्यादा हीट जनरेट हो रही है उसमें, आपने जैसे ही पानी डाला छलक के वो बाहर आ जाएगा, पूरा कंटेनर फट जाएगा या बबल्स आएंगे और पूरी बॉडी को जला देंगे, ठीक है। इसलिए ये गलती तो बिल्कुल भी ना करें कि एसिड भर ले टब में और उसमें पानी आप उड़ेलते जा रहे हैं, जैसे ही आप पानी डालेंगे धमाका हो जाएगा पूरा, वो निकल के आएगा और आपके चोट लग जाएगी, ठीक है, आप जल जाएंगे, अभी साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगा। तो तरीका कौन सा सही हुआ, हमेशा हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर एसिड को मिलाते हैं दोस्तों, वाटर ले लेंगे उसमें हम क्या करेंगे, एसिड को मिलाएंगे, और वो भी ऐसे नहीं कि हमने ये वाटर है एसिड लिया और मिला दिया, नहीं, वाटर लिया किनारे से, यहाँ पे आपका दूसरा बीकर होगा या जो भी कंटेनर है, ठीक है, ये आपका दूसरा कंटेनर जिसमें ये भरा हुआ है, इसमें से ये किनारे से गिराएंगे आप, कायदा तो ये कहता है कि आप इसको किनारे से गिराएंगे, थोड़ा थोड़ा 4-5 ड्रॉप गिराएंगे या 3-4, फिर इसको क्या किया, हिलाया, ठीक है, 3-4 ड्रॉप गिराने के बाद हटा दिया, फिर इसको क्या किया, हिलाया, आपने स्थिर किया, फिर आपने 3-4 ड्रॉप फिर मिलाई एसिड की, फिर आपने इसको क्या किया, स्टिर। बट कई लोग क्या होते हैं, जो जिनको एक्सपेरिमेंट करते हुए एक्टिविटी करते हुए बहुत टाइम हो जाता है, उनको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, उनको पता है कि इतने पानी में अगर मैं 5 ml एसिड मिला दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए वो क्या कर देते हैं, वो डायरेक्ट एसिड लेते हैं, 5 ml सीधा मिला देते हैं, क्योंकि उनको पता है। आप नहीं करोगे फर्स्ट टाइम में, आप क्या करोगे, एसिड को थोड़ा मिलाओगे 3-4 ड्रॉप या ज्यादा से ज्यादा 5 ड्रॉप, और उसको फिर ऐसे हिलाओगे, शेक करोगे, ठीक है, स्टिर करोगे, फिर आप क्या करोगे, दोबारा से एसिड मिलाओगे 4-5 ड्रॉप, फिर उसको स्टिर करोगे। आपका ये है स्टैंडर्ड तरीका, हमेशा वाटर में एसिड को मिलाया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि तेजाब बेचने वाले जो होते हैं वो तो आपने कई बार देखा होगा कि वो सीधा लेते हैं बॉक्स, उसमें क्या करेंगे, आपका पानी भरेंगे और एसिड को ऐसे ऐसे डालते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों उनको एक्सपीरियंस हो चुका है, वो बहुत सालों से वो काम कर रहे हैं, इसलिए उनको पता है कि इतने पानी में इतना एसिड डालूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर हो गया? तो ये ध्यान रखना, हमेशा हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर एसिड को मिलाते हैं, वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप, क्या ड्रॉप बाय ड्रॉप, और उसको स्थिर करते हुए। अब ये काम क्यों नहीं करते, रीजन समझ लीजिए, क्योंकि एसिड जो होता है ये क्या होता है, ऑलरेडी कंसंट्रेटेड, तो जैसे ही आप इसमें ये मिलाते हैं वाटर, क्योंकि ये ऑलरेडी कंसंट्रेटेड होता है, तो कंसंट्रेटेड का मतलब इसमें ऑलरेडी क्या होती है, हीट बहुत ज्यादा होती है। मैं साइंटिफिक आंसर बता रहा हूं जो आपको पेपर में लिखना है, जब ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब आपका क्या है, आंसर क्या लिखोगे, ठीक है, वी एड वॉटर, वी एड एसिड इन वॉटर ड्रॉप बाय ड्रॉप, बट वी कैन नॉट एड वॉटर इन एसिड, बिकॉज वेन वी एड वॉटर इन एसिड देन रिएक्शन बिकम्स हाईली एक्सोथर्मिक। जो आपकी रिएक्शन होती है वो कैसी हो जाती है, हाईली एक्सोथर्मिक,
ठीक है, मैंने पहले ही बताया एक्सोथर्मिक का मतलब, एक्सो मतलब बाहर निकालना, थर्म मतलब हीट। इसमें क्या होता है, जब आप एसिड के अंदर वाटर मिलाते हैं तो बहुत तेजी से क्या होती है आपकी रिएक्शन, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हाईली एक्सोथर्मिक, और वो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि उसमें से बबल्स बनेंगे, बबल्स बन के आपके छलक के बाहर आ सकते हैं, आपको जला सकते हैं, या जिस कंटेनर में आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो कंटेनर ही फट जाएगा, वो कांच की अगर मोटी बोतल भी है ना तो वो भी फट जाएगी, इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है इस रिएक्शन में। इसलिए आप कभी भी वाटर को एसिड के अंदर नहीं मिलाते, और अगर ऐसी गलती करेंगे तो भुगतान बहुत भारी होगा, आपको नुकसान हो सकता है, इसलिए प्लीज इस एक्टिविटी को मजाक में भी ना करें, क्योंकि बहुत इंजरी हो जाएगी, फिर उसका बैकअप नहीं होगा, दिक्कत ये है। अगर बैकअप होता तो मैं आपको एक बार बोलता भी, इसलिए प्लीज इस रिएक्शन को करने की कोशिश ना करें, आपको बता रहे हैं बस उतना, ठीक है, उस पर आप देख लीजिए, समझ लीजिए उतना ही, क्लियर हो गया। तो हम क्या करते हैं, हमेशा वाटर के अंदर एसिड को करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, वो भी स्थिर करते हुए, क्योंकि एसिड में जैसे हम वाटर को मिलाएंगे तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिससे जो आपका केमिकल है वो स्पिल्स आउट कर सकता है, जिससे आपको इंजरी हो सकती है, या इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि कंटेनर ही बस्ट हो जाएगा, कंटेनर ही फट जाएगा। क्लियर हो गया, तो ये आपका रीजन था, ये आपने देख लिया कि किसको किस में मिलाते हैं। अब आते हैं पॉइंट लास्ट वाला, बिल्कुल इसी हेडिंग का है वो, इसीलिए इसमें करा रहा हूं। लास्ट हेडिंग है आपकी डाइल्यूशन, लास्ट हेडिंग क्या है आज की, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, डाइल्यूशन का आम भाषा में आप मतलब समझिए मिलावट, आम भाषा में मतलब समझिए मिलावट, ठीक है। आपके क्या होते हैं, दो तरीके के केमिकल जो हम यूज करते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड, एक कौन सा होता है कंसंट्रेटेड, और दूसरा कौन सा होता है डाइल्यूटेड। कई बार आपने सुना होगा कि आपका जो शरबत है उसको डाइल्यूट कर दो, ठीक है, जब आपका शरबत बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है तो हम उसकी मिठास को कम करने के लिए क्या करते हैं, पानी मिलाते हैं ना, पानी मिला के क्या करते हैं, उसकी जो मिठास है वो क्या हो जाती है, कम, तो उसी प्रोसेस को कहते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है व्हेन एसिड एंड बेस एडेड इन वाटर, जब आप क्या करते हो एसिड या बेस को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हो, जिसकी वजह से उसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है, H प्लस आयन की या H3O प्लस आयन की या OH माइनस आयन की, मतलब हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज। तो आप ये लिख सकते हो डाइल्यूशन इज अ प्रोसेस इन विच एसिड और बेस एडेड इनटू वाटर सो द कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोनियम आयन डिक्रीजेस। ये एनसीईआरटी में लिखी हुई है, लास्ट पैराग्राफ है, बिल्कुल आप इजीली कर सकते हैं, अगर फिर भी है तो मैंने बोल दिया, आप इसको लिख लीजिए। डाइल्यूशन इज अ प्रोसेस बाय विच एसिड और बेस एडेड इनटू वाटर सो कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोनियम आयन डिक्रीजेस। क्या हो जाती है, दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है डाइल्यूशन करने पे दोस्तों, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर हो गया, अब मैं जरा समझा देता हूं कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट वर्ड का मीनिंग क्या है। कंसंट्रेट का मतलब है आपने सपोज एक लीटर एसिड लिया, एक लीटर एसिड में टोटल HCl है, एक बूंद भी आपका पानी नहीं है, टोटल HCl मतलब जो भी आपने एसिड लिया है सिर्फ और सिर्फ वही है, इसको मैं दूसरे शब्दों में कह सकता हूं प्योर, बिल्कुल भी इसमें एक बूंद कुछ भी नहीं है, टोटल 1000 ml सिर्फ और सिर्फ क्या है आपका एसिड ही एसिड है बस, और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ आपने क्या किया कि ये आपका 1000 ml था, 1000 ml में आपने क्या किया 100 ml पानी मिला दिया और 900 ml क्या है आपका एसिड, तो आपने इसको क्या कर दिया डाइल्यूट। अब आप बताइए इनमें कौन ज्यादा ताकतवर होगा, कंसंट्रेटेड, क्योंकि डाइल्यूट में तो आप पानी मिला दिया, अब आप इसको सपोज पानी को कर दो कितना 400 ml, तो ये कितना हो जाएगा फिर 600 ml, तो ये और कम खतरनाक हो गया। फिर इसको आप और करोगे, ठीक है, इसको सपोज आप कर दो 700 ml, तो ये कितना रह जाएगा एसिड 300 ml, तो ये और ज्यादा खतरनाक होगा। तो जितना ज्यादा डाइल्यूट एसिड होगा या जितना डाइल्यूट बेस होगा उतना वो आपको आपको क्या करेगा, कम नुकसान पहुंचाएगा। और कंसंट्रेटेड अगर हो गया, कंसंट्रेटेड अगर एसिड आपकी हाथ पे भी गिर गया ना, एसिड या बेस ये हाथ पे, तो पूरा यहाँ पे छेद कर देगा आर पार, हड्डी भी गल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, इतना स्ट्रांग होता है। जीभ पे अगर गिर गया या जीभ को टेस्ट करने के लिए यूज किया तो आपके आर पार जीभ में छेद हो जाएगा, जिंदगी भर वो भरेगा नहीं कभी भी, इतना स्ट्रांग एसिड होता है या बेस होते हैं। इसलिए कंसंट्रेटेड फॉर्म को कभी भी आपको यूज करने के लिए नहीं दिया जाता, हमेशा आपको दिया जाता है डाइल्यूटेड फॉर्म, और डाइल्यूटेड फॉर्म में सबसे कम डाइल्यूटेड वाली, सबसे कम मतलब जिसमें सबसे कम ताकत हो, जिसमें जैसे कि 700 ml आपने क्या मिला दिया पानी और 300 ml एसिड,
इस तरीके की या और भी कम, जितनी आपकी कम से कम ताकत रह सकती है उसमें, ताकि आप खाली असर देखो, आप अपने आप को नुकसान ना पहुंचाओ। इसीलिए प्लीज केमिस्ट्री की या कहीं भी साइंस के किसी भी एक्सपेरिमेंट में प्लीज मजाक ना करें, क्योंकि बैकअप का चांस नहीं होता अगर एक भी गलती हो गई तो। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये डाइल्यूशन प्रोसेस समझ में आ गई होगी। दोबारा रिपीट कर देता हूं, डाइल्यूशन इज अ प्रोसेस बाय विच एसिड और बेस एडेड इनटू वाटर सो द कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस और OH माइनस आयन डिक्रीजेस। कि आपकी क्या होती है डाइल्यूशन, ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप एसिड या बेस को पानी के अंदर मिलाते हैं और जैसे जैसे आप पानी बढ़ाते जाएंगे एसिड या बेस की ताकत क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। एसिड या बेस की ताकत क्या होती जाएगी, कम। और जैसे जैसे वो ताकत कम होती जाएगी क्या होता जाएगा आपका, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, इसको आप इम्प्योर भी कह सकते हो, मतलब वो उतना ही कम ताकतवर होगा, उतना ही क्या होगा, कम ताकतवर। इसीलिए जो घर पे हम एसिड लेते हैं, जो फिनाइल वगैरह लेके आते हैं या जो उससे जो तेजाब बेस्ट है उससे जो लेते हैं, हमें इतना नुकसान क्यों नहीं होता, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें पानी मिला के लाता है डायल्यूटेड फॉर्म में, फिर भी वो खतरनाक होता है, आपको फर्श पे गिरते ही सफेद सफेद कर देता है। क्लियर? तब कि उसने इतना सारा पानी मिला रखा है, कंसंट्रेटेड तो वो कभी आपको देगा ही नहीं, जिंदगी में नहीं देगा, क्योंकि अगर उसने दे दिया तो अगर किसी को कुछ हो गया उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके कोई क्वेरी हो, कमेंट हो, ठीक है, या कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।